अहमदनगर जिले के राहुरी शहर के पत्रकार रोहिदास दातिर का अपहरण कर हत्या किए जाने की दर्दनाक घटना हाल ही में सामने आई है। इस घटना के खिलाफ दिग्रस कार्यालय पहुंचकर स्थानीय पत्रकारों ने तहसीलदार राजेश वजीरे के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और उक्त घटना पर रोष जताते हुए हत्या के जिम्मेदार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों पर हो रहे हमले और हत्या की वारदात के मद्देनजर प्रशासन को चाहिए कि वह पत्रकारों की सुरक्षा को तरजीह दे और उपरोक्त घटना में मारे गए पत्रकार रोहिदास दातिर के परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग भी इस समय स्थानीय पत्रकारों ने की है। ज्ञापन देते समय पत्रकार सुरेश चिड़े, संजय शुक्ला, पीपी पपुवाले, सुनील हेरास, अभय इंगड़े, अफजल खान, धर्मराज गायकवाड़, रफीक खान, किशोर कामड़े, अयाज काजी, जुबैर खान, ऋषिकेश हिरास आदि सहित अन्य पत्रकार उपस्थित थे। अहमदनगर येथील पत्रकार रोहिदास दातिर यांचे अपहरण करून त्यांना गाडीमध्ये कोंबून नेऊन त्यांची निर्गुण हत्या करण्यात आली। या घटनेचा निषेध म्हणून आम्ही दिग्रस येथील सर्व पत्रकार मंडळी तहसीलदार राजेशजी वजीरे साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। तेव्हा या निर्गुण हत्या करणाऱ्या आरोपीला तात्काळ कडक शिक्षा व्हावी अशी मागणी आम्ही सर्व पत्रकार मंडळीतर्फे करण्यात आली आहे। अहमदनगर यहां के पत्रकार रोहिदास दातिर इनकी निर्गुण खून इनका खून हो गया। वहां के किसी कारणवश उसी संदर्भ में हम लोग यहां दिग्रस पत्रकार संघ की ओर से तहसीलदार वजीरे साहब को माध्यम से शासन को हमने निवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी मांग की है कि आज वहां हुआ कल हमारे यहाँ भी हो सकता है, इसलिए शासन ने हमें सुरक्षा हमें सब पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने का भी हमने उनको कहा है। जर वारंवार जर हल्ले होत राहिले पत्रकारांवर जर अशा पद्धतीचे जर कोणत्या प्रकारचे कुटिल कारस्थान होत असेल तर कदापि आम्ही पत्रकार म्हणून हे सहन करणार नाही। रावेरी येथील झालेल्या या घटनेचा आम्ही सर्व पत्रकार इथे निषेध नोंदवतो आणि त्वरित या संबंधित गुन्हेगाराला अटक करून कडक शासन करण्यात यावे व मृतक आमचे पत्रकार बंधू त्यांच्या परिवाराला आर्थिक मदत व सर्व ती मदत प्रशासनाने करावी अशी विनंती या ठिकाणी आम्ही तहसीलदारांना करण्यात आली आहे। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।